और चलिए अब बात कर लेते हैं कांग्रेस में मची हुई कंफ्यूजन की स्थिति को लेकर। कड़ी कंफ्यूजन यूपी की दो सीटें अमेठी और रायबरेली को लेकर बनी हुई है। दरअसल रायबरेली और अमेठी सीट पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। यहां पर प्रत्याशी को लेकर किपेज फंसा हुआ है, तो रायबरेली से प्रियंका का टिकट लगभग ये माना जा रहा है कि तय है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ही फर्स्ट चॉइस है रायबरेली से। प्रियंका के नामांकन की तैयारियां भी पूरी हो चुकी है और रायबरेली से प्रियंका गांधी के नाम की चर्चाएं भी तेज है। जो तमाम कार्यकर्ता है, तमाम लोग हैं, उनकी मांग है कि प्रियंका गांधी यहां से प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से खड़ी हो। तो कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रियंका के नाम पर भरोसा भी जताया है। दिग्गजों की साख का सवाल रायबरेली सीट बनी हुई है। तो बीजेपी ने खास तौर पर रायबरेली सीट को बाकी बात करें तो यहां पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। शायद इंतजार इस बात का हो रहा है कि समय ठीक होते ही प्रत्याशी की घोषणा होगी। बहरहाल दोनों ही जो दल है, चाहे बात कांग्रेस की करे या बात बीजेपी की करे, रायबरेली सीट को लेकर के अभी तक स्थिति साफ नहीं है। दोनों ही ने अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। बीजेपी कांग्रेस में लुक्का छिपी का खेल जो है वो लगातार बना हुआ है। सीट पर रायबरेली सीट पर कांग्रेस का हमेशा से दबदबा रहा है। क्या वो दबदबा कायम रह पाएगा, प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर के सवाल लगातार बने हुए। यूपी की दो सीटों पर कांग्रेस में असमंजस